नमस्कार दर्शकों, वक्त हो गया है आज की 15 बड़ी और सुपर फास्ट खबरों का। तो आइए जान लेते हैं आज की 15 बड़ी और सुपर फास्ट खबरें। पीएम नरेंद्र मोदी ने आज गोवा में इंडिया एनर्जी वीक के दूसरे संस्करण का किया उद्घाटन। पीएम ने कहा कि भारत में अगले 5 से 6 वर्षों में ऊर्जा क्षेत्र में करीब 67 अरब अमेरिकी डॉलर का निवेश होगा। प्रधानमंत्री ने अपने संबोधन में वैश्विक निवेशकों को भारत की विकास गाथा का हिस्सा बनने के लिए आमंत्रित भी किया। आज गोवा के दौरे पर हैं पीएम नरेंद्र मोदी। पीएम मोदी ने गोवा में कहा कि भारत आज विश्व की सबसे तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्था है। साथ ही पीएम मोदी ने कहा कि 6 महीने में देश की जीडीपी दर 7.5% से अधिक हो गई है। साथ ही पीएम ने यह भी कहा कि हाल ही में आईएमएफ ने भी ये भविष्यवाणी की है कि हम ऐसे ही तेजी से आगे बढ़ेंगे। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने झारखंड में कही बड़ी बात। राहुल ने कहा कि आदिवासियों के सरना धर्म कोड की मांग कांग्रेस सरकार बनते ही पूरी की जाएगी। साथ ही राहुल ने कहा कि पिछड़ी जातियों को उनकी आबादी के हिसाब से भागीदारी नहीं मिलती है। मध्य प्रदेश के हरदा की पटाखा फैक्ट्री में जबरदस्त धमाका। खबर लिखे जाने तक 12 लोगों की हो चुकी थी मौत कई झुलसे। प्रारंभिक जानकारी के अनुसार इस फैक्ट्री में 500 से 700 लोग काम करते थे। मध्य प्रदेश के सीएम मोहन यादव ने किया हरदा के पटाखा फैक्ट्री मामले में जान गंवाने वाले लोगों को 4 लाख का मुआवजा देने का ऐलान। घटना में घायल हुए लोगों का निशुल्क इलाज कराए जाने के भी दिए गए निर्देश। आपको बता दें कि हरदा में पटाखा फैक्ट्री में हुए धमाके के मामले में मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने जांच के आदेश दे दिए हैं। ईडी ने मनी लॉन्ड्रिंग जांच के तहत दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के निजी सचिव और आम आदमी पार्टी से जुड़े अन्य लोगों के आवास पर आज मारा छापा। आम आदमी पार्टी ने बीजेपी पर लगाया आम आदमी पार्टी को दबाने की कोशिश का आरोप। मध्य प्रदेश के पूर्व सीएम और कांग्रेस नेता कमलनाथ ने कांग्रेस छोड़ने की अटकलों पर तोड़ी चुप्पी। कहा, मैं पार्टी छोड़कर कहीं नहीं जा रहा हूं। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि जैसे ही एआईसीसी उम्मीदवार घोषित करेगी, नुकुल नाथ ही छिंदवाड़ा से लोकसभा चुनाव में पार्टी के उम्मीदवार होंगे। उत्तराखंड विधानसभा में समान नागरिक संहिता विधेयक हुआ पेश। समान नागरिक संहिता उत्तराखंड 2024 विधेयक पेश करने के बाद राज्य विधानसभा में भाजपा विधायकों ने वंदे मातरम और जय श्री राम के लगाए नारे। विपक्ष ने किया हंगामा। कर्नाटक की सिद्धारमैया सरकार केंद्र के कथित अन्याय के खिलाफ 7 फरवरी को नई दिल्ली में करेगी विरोध प्रदर्शन। कर्नाटक के सीएम सिद्धारमैया ने इसके लिए दिल्ली चलो आंदोलन का किया ऐलान। बता दें कि 5वें वित्त आयोग से कर्नाटक के साथ हुए कथित अन्याय और केंद्र से अनुदान समेत राज्य से जुड़े कई अन्य मुद्दे को लेकर सिद्धारमैया केंद्र सरकार के खिलाफ दिल्ली में प्रदर्शन करने जा रही है। केरल की डॉक्टर वंदना दास की हत्या मामले में नहीं होगी सीबीआई जांच। केरल हाईकोर्ट ने याचिका की खारिज। अदालत ने मंगलवार को कहा कि पुलिस जांच की ईमानदारी या विश्वसनीयता पर शक करने की कोई वजह नहीं है। स्नैपचैट की पैरेंट कंपनी ने किया छटनी का ऐलान। 500 एम्प्लॉइज की नौकरी पर मंडराया खतरा। आपको बता दें कि स्नैपचैट की पैरेंट कंपनी स्नैप पहले ही कई राउंड की छटनी का ऐलान कर चुकी है। न्यूजीलैंड के पूर्व कप्तान केन विलियमसन के बल्ले से बरस रहे हैं रन। दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ खेले जा रहे पहले टेस्ट मैच में केन विलियमसन ने टेस्ट की 2 पारियों में जड़ा शतक। बता दें कि केन विलियमसन ने पहली पारी में 118 रन बनाए जबकि दूसरी पारी में केन 109 रन बनाकर आउट हुए। पॉपुलर टीवी शो तारक मेहता का उल्टा चश्मा के नाम जुड़ी एक और बड़ी उपलब्धि। शो ने पूरे किए 4000 एपिसोड। गौरतलब है कि शो की यह उपलब्धि इस बात का प्रमाण है कि दर्शकों के बीच अभी भी इस शो का काफी ज्यादा क्रेज है। ब्रिटेन के महाराजा किंग्स चार्ल्स तृतीय कैंसर से हुए पीड़ित। बकिंघम पैलेस ने बयान जारी कर दी जानकारी। दुनिया भर के नेताओं ने किंग्स चार्ल्स तृतीय के जल्द स्वस्थ होने की कामना। अमेरिका के कैलिफोर्निया में तूफानी बारिश ने मचाई तबाही। हजारों घर की बिजली हुई गुल। लोगों को अंधेरे में गुजारने पड़ रहे हैं दिन। तो दर्शकों, ये थी आज की 15 बड़ी और सुपरफास्ट खबरें। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए साउथ ब्लॉक डिजिटल। नमस्कार।